साथियों, 24 अप्रैल रविवार को जम्मू के जिला सांबा के पल्ली क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो रैली हुई है, उस रैली में जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने से एक जन समंदर, एक जन सैलाब उमड़ के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में आया, मैं उसके लिए सभी जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेषकर जो हमारे जम्मू संभाग के हमारे साथी सहयोगी हैं, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, जिन्होंने बढ़ चढ़कर सांबा के पल्ली में हुई माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में भाग लिया, शिरकत की, मैं हृदय से सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महारैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये दिखा दिया कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एकजुट होकर खड़ा है। पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ खड़ा है, वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, शहर का है या गांव का है, पहाड़ का है या मैदान का है, जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीर घाटी के रहने वाले हमारे कश्मीरी भाई हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं, गुजर बकरवाल लोग हैं, या फिर विस्थापित जो पीओजे के 1947, 65 और 71 के विस्थापित रिफ्यूजी हो, पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी हो, दलित समाज से, वंचित समाज से संबंध रखने वाले हमारे भाई बहन हो, ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हो, वाल्मीकि समाज के लोग हैं या हमारी माताएं बहनें हैं, गोरखा समाज के लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं, जिस प्रकार एक जबरदस्त उत्साह, जोश और जज्बे के साथ जम्मू कश्मीर के हर वर्ग के व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में बढ़ चढ़कर और पूरे जोश, जुनून और जज्बे से भाग लिया, मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं सबका कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की ऐतिहासिक रैली का सभी लोग एक बड़ी खूबसूरती के साथ, जोश और जज्बे के साथ उस रैली का हिस्सा बने। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 20,000 करोड़ रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्टों का जो नींव पत्थर रखा और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इस्टेट्स डेवलप करने के विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है, और विशेषकर जो जम्मू तथा कश्मीर के नौजवान, युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन, इनको संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि हमारे जो पूर्वजों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले मुसीबतें झेली, वो अब हमारे नौजवानों को उन मुसीबतों से निजात मिलेगी और डेवलपमेंट हो या व्यक्तिगत संपर्क हो केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, जम्मू कश्मीर में और बढ़ेगा। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो दिलों की दूरियां हो या विकास के संबंध में, डेवलपमेंट के संबंध में पुरानी सरकारों ने दूरियां रखी हो, मोदी सरकार उन दूरियों को खत्म करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ
जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और आने वाले दिनों में सबके प्रयास से जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति के सहयोग से, सबकी मदद से, सबके कोऑपरेशन से एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर का निर्माण हम यहां करेंगे। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जो मोदी साहब ने जम्मू के पल्ली की इस महारैली में जम्मू कश्मीर के लोगों की हौसला अफजाई की। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत आदर मान और सम्मान करते हैं। मोदी साहब के दिल में जम्मू कश्मीर की जनता बसती है और जम्मू कश्मीर के बच्चे के, हर परिवार के बच्चे बच्चे के दिल में, हर नौजवान के दिल में, हर बुजुर्ग के दिल में, हर व्यक्ति व्यक्ति के दिल में जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब के प्रति जो मान सम्मान है वो कल की रैली में हमने देखा कि जिस प्रकार एक जन समुंदर उमड़ के आया। तो मैं ये कह सकता हूं कल की रैली को देखते हुए कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब बसते हैं और हमें इस बात की खुशी है कि मोदी साहब लगातार जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के कामों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार कल यहां बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पन बिजली परियोजनाओं की नींव पत्थर रखा गया, रेटले प्रोजेक्ट हो किश्तवाड़ में, तिवाड़ हो, इसके अलावा 108 से ऊपर जन औषधियालय है और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्टेट्स की डेवलपमेंट की बात हो, एक लाजवाब काम, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, दिल्ली अमृतसर, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी कटरा का जो एक्सप्रेस हाईवे है और उसके साथ साथ जो बनहाल और काजीकुंड का टनल जिसका उद्घाटन कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ये लाजवाब काम मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर किए। जम्मू कश्मीर में मोदी साहब के सहयोग से, ये मोदी साहब की देन है कि आज जम्मू के सांबा में एम्स जैसा बहुत बड़ा हॉस्पिटल बड़ी तेजी से पूरा होने जा रहा है। 8-8 मेडिकल कॉलेज, कश्मीर के अवंतीपुरा में भी एम्स जैसा हॉस्पिटल, 2-2 रिंग रोड्स, गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, हॉस्पिटल्स, और इसी के साथ साथ किसानों के खातों में 6-6 हजार, गरीब लोगों के गांव-गांव में मकान, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम्स, आयुष्मान भारत के जो हेल्थ कार्ड, गोल्डन कार्ड, जिसमें अगर कोई बीमार होता है तो एक व्यक्ति को एक साल में 5-5 लाख, ई श्रम कार्ड जैसे कार्यक्रम, माताओं बहनों के नाम फ्री के सिलेंडर गैस, ये सब योजनाएं मोदी साहब की हैं। और गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को 1-1 हजार रुपया महीने का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से पेंशन योजनाएं हैं, चाहे वो दिव्यांग हमारे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग हों, डिसेबल्स, ओल्ड एज, या फिर जो विडोस हैं उनको इन योजनाओं का यहां लाभ मिल रहा है। लगातार मोदी साहब से, उनके प्रयासों से देश भर में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन इस कोरोना काल में दिया जा रहा है, जो 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, उसका लाभ भी जम्मू कश्मीर के लोग ले रहे हैं। मोदी साहब की कृपा से भारत में कोरोना महामारी को हमने समाप्ति की ओर आगे बढ़े हैं, ये सब मोदी साहब की देन है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने कल जम्मू के जिला सांबा के पल्ली गांव से पूरे देश भर के चुने हुए सरपंचों, पंचों, बीडीसी और डीडीसी के साथ साथ आम जनता को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में ये पंचायती राज जो आज स्थापित हुआ है, जिसके चलते 30,000 से
ऊपर जम्मू कश्मीर में पंचीज और सरपंचीज हैं, बीडीसी और डीडीसी के मेंबर हैं, ये सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की देन है। वरना 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने कभी सरपंच को भी समय पर उसके चुनाव नहीं कराए थे, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पंचायती राज कानून जो देश भर का है उसको लागू करके 73rd 74th अमेंडमेंट को यहां लागू करके जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। हम हृदय से अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए दिल खोल कर काम किया है और दिल खोल कर हिंदुस्तान के खजाने से पैसा जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए भेजा है। मैं मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं मोदी साहब को, जो उन्होंने एक नया जम्मू कश्मीर, एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर और एक स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर बनाने का संकल्प लिया है और उस पर कार्य शुरू किया है। साथियों, मैं पुनः एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जो मोदी साहब की रैली में बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस रैली को कामयाब किया और विशेषकर जो जम्मू रीजन है, हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, सांबा डिस्ट्रिक्ट हो, कठुआ, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इस तमाम क्षेत्र से भारी जन सैलाब मोदी साहब की रैली में उमड़ा और कश्मीर घाटी से भी कोने कोने से लोग मोदी साहब की रैली में आए। मैं हृदय से जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का जबरदस्त अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत जम्मू कश्मीर के अंदर किया।